दिल्ली विधानसभा चुनाव के चार दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। खास बात यह है कि इस घोषणा पत्र में जहां बेशुमार वादे किए गए, वहीं केजरीवाल ने स्कूलों में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की बात भी कही। साल 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव का सियासी दंगल जोरों पर है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने स्कूलों में राष्ट्रभक्ति के पाठ्यक्रम पढ़ाने, महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम, पूर्वांचल के लोगों पर फोकस के साथ दिल्ली में सातों दिन बाजार खोलने के प्रमुख वादों के साथ 28 वादे किए। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी। दिल्ली के हर बच्चे को, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। अब आइए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए 28 वादों के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। जन लोकपाल बिल पास कराएंगे, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी, 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराएंगे, स्कूलों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देंगे, सीलिंग से सुरक्षा देंगे, दिल्ली में सातों दिन बाजार खुले रहेंगे, पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक देंगे, भोजपुरी भाषा को मान्यता देंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण मिलेगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 40 साल पहले का जो सेंसस था उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं। हम 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी हिसाब से नम सफाई कर्मचारियों की पोस्ट्स में काफ़ी बड़े स्तर पे इजाफा होगा। और दूसरा, सफाई कर्मचारियों की डिमांड थी कि जब उनकी किसी भी व्यक्ति की, चाहे सीवर में हो चाहे सफाई करते वक्त हो, जब भी किसी की मौत हो जाती है, उनको 1 करोड़ रुपये की का मुआवजा दिया जाएगा, उनको पक्का करने की भी बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बढ़ चढ़कर वादे किए गए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुली चुनौती दी और कहा कि अमित शाह बताएं कि उनका दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है, आए और हमसे बहस करें। बहरहाल, किसके दावे और वादे पर दिल्ली की जनता कितना भरोसा करती है, ये तो 11 फरवरी को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।